नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन तक चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है कुशाल राज ने। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल आइकन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन तक चलने वाली बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12967। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइमिंग की बात करें तो यह ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन की कुल दूरी 2185 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है 36 घंटे और 35 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसकी एवरेज स्पीड रहती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस ट्रेन का संचालन करती है उत्तर पश्चिमी रेलवे और यह ट्रेन हफ्ते में दो दिन चलने वाली बाई वीकली ट्रेन है, जो हर रविवार और मंगलवार को तमिलनाडु के चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यों से गुजरती हुई हर मंगलवार और गुरुवार को यह जयपुर जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन के बीच में करीबन 30 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और यह एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कोच लगते हैं, जिसमें फर्स्ट एसी का कोच लगता है। फर्स्ट एसी के कोच का चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन तक का किराया रहता है 5,190 रुपए। एसी 2 टायर के इसमें कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 3,005 रुपए। एसी 3 टायर के इसमें कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 2,050 रुपए। इन तीनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, सुपरफास्ट, रिजर्वेशन और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में 12 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 780 रुपए। इस किराए में GST को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य क्लास के इस ट्रेन में 4 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 443 रुपए। यह किराया दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन तक का बताया गया है, परंतु एक बार आप इसे चेक अवश्य कर लें, क्योंकि समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। इस ट्रेन में दोस्तों पेंट्री कार का कोच लगता है, जो ट्रेन के अंदर ही आपके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता है, परंतु पेंट्री कार के खाने का अलग से चार्ज भी देना होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। इस ट्रेन को चेन्नई सेंट्रल से सवाई माधोपुर जंक्शन तक लालागुड़ा लोको शेड का या फिर इरोड लोको शेड का WAP-4 लोकोमोटिव लेकर जाता है, और सवाई माधोपुर जंक्शन से जयपुर जंक्शन तक इसे भगत की कोठी लोको शेड के WDP-4, WDP-4B या फिर WDP-4D इनमें से कोई एक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के और कौन कौन से स्टेशन है यह हम देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों हर रविवार और मंगलवार को शाम के 5:40 पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 6 से रवाना होती है। और दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है आंध्र प्रदेश का गुड्डूर जंक्शन। शाम के 7:38 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 7:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है नेल्लूर रात के 8:09 पर और 8:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है विजयवाड़ा जंक्शन रात के 12:05 पर और 12:15 पर यह ट्रेन विजयवाड़ा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है तेलंगाना के वरंगल में रात के 3:08 पर और 3:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मंचिरियाल सुबह के 5:34 पर और 5:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है सिरपुर कागज नगर सुबह के 6:24 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 6:25 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के बल्हारशाह जंक्शन में सुबह के 7:45 पर, और 7:50 पर यह ट्रेन बल्हारशाह जंक्शन से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 880 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है चंद्रपुर सुबह के 8:09 पर, और 8:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है हिंगन घाट सुबह के 9:23 पर, और 9:24 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सेवाग्राम जंक्शन सुबह के 9:59 पर, और सुबह के 10 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है नागपुर जंक्शन सुबह के 11:10 पर। यह ट्रेन पहुंचती है नागपुर जंक्शन, और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद सुबह के 11:15 पर यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है काटोल दोपहर के 12:02 पर, और 12:03 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के पांडुर्ना में दोपहर के 12:37 पर, और 12:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बैतूल दोपहर के 2:04 पर, और 2:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन दोपहर के 3:55 पर, और करीबन 5 मिनट रुकने के बाद शाम के 4 बजे यह ट्रेन इटारसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इटारसी जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1387 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हबीबगंज शाम के 5:23 पर, और 5:25 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है भोपाल जंक्शन शाम के 5:50 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है, और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद शाम के 6 बजे यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है संत हिरदाराम नगर शाम के 6:32 पर, और 6:33 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सीहोर शाम के 6:58 पर, और 6:59 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सुजालपुर शाम के 7:35 पर, और 7:37 पर यह ट्रेन सुजालपुर से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है बेरछा रात के 8:13 पर, और 8:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उज्जैन जंक्शन रात के 9:25 पर, और 9:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है नागदा जंक्शन रात के 10:45 पर, और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद रात के 11:10 पर यह ट्रेन नागदा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। नागदा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1718 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है, और यहां पर दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है विक्रमगढ़ आलोट रात के 11:36 पर, और 11:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है श्यामगढ़ रात के 12:14 पर, और 12:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजस्थान के भवानी मंडी में रात के 12:38 पर, और 12:39 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है रामगंज मंडी जंक्शन रात के 12:58 पर, और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद रात के 1 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है कोटा जंक्शन रात के 1:50 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है, और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद रात के 2 बजे यह ट्रेन कोटा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है सवाई माधोपुर जंक्शन रात के 3:40 पर, और 3:55 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 15 मिनट का स्टॉपेज है। सवाई माधोपुर जंक्शन में दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं, और यहाँ पर इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता है। इसमें इलेक्ट्रिक की जगह डीजल इंजन लग जाता है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है दुर्गापुरा तीसरी सुबह 5:42 पर, और 5:43 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है जयपुर जंक्शन सुबह के 6:15 पर यह ट्रेन पहुँचती है जयपुर जंक्शन, और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी
2185 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यह ट्रेन 12969/70 कोयम्बटूर से जयपुर जंक्शन तक चलने वाली ट्रेन के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी चेन्नई सेंट्रल से जयपुर जंक्शन तक चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।